हेलो प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी संचय की पाठ्य पुस्तक से पाठ 14 लालच का फल के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ के मुख्य पात्रें मछुआरा, मछुआरीन और सुनहरी मछली। किस तरह मछुआरी ने लालच किया और अपना सब कुछ खो दिया था, आइए इस पाठ के माध्यम से हम समझते हैं। समुद्र के किनारे एक मछुआरा रहता था। वह अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। वह प्रतिदिन नाव में बैठकर समुद्र में जाता, जाल बिछाता और मछलियां पकड़ता। उसकी पत्नी शाम को उन मछलियों को लेकर बाजार जाती, उन्हें बेचकर घर का सामान लाती और खाना बनाती। दोनों बड़े चैन से रहते थे। समुद्र के किनारे कौन रहता था? एक मछुआरा रहता था। वह अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में रहता था। उनकी झोपड़ी कहाँ थी? समुद्र के किनारे थी। वह प्रतिदिन नाव में बैठकर समुद्र में जाता और जाल बिछाता और मछलियां पकड़ता था। और जो मछलियां पकड़ कर लाता था, वह शाम को मछलियों को लेकर उसकी पत्नी बाजार जाती, उन्हें बेचकर वह घर का सामान लाती थी और खाना बनाती थी। दोनों बड़े आराम से रहते थे। एक दिन वह मछुआरा नाव लेकर समुद्र में गया। उसने समुद्र में जाल डाला। एक दिन क्या मछुआरा नाव लेकर समुद्र में गया और उसने वहां समुद्र के में जाल डाला था। बहुत देर तक उसे कोई मछली नहीं मिली। उसने बहुत देर तक प्रयास किया लेकिन उसे कोई मछली नहीं मिली। इससे वह उदास हो गया। उसने फिर समुद्र में जाल डाला। थोड़ी देर के बाद जब उसने जाल ऊपर खींचा तो जाल में एक छोटी सुनहरी मछली थी। उसने बहुत कोशिश की, फिर दोबारा से समुद्र में जाल डाला तो थोड़ी देर में जब उसने जाल को ऊपर खींचा तो जाल में एक छोटी सुनहरी मछली थी। उसने मछली को धीरे से हाथ में उठाया। हाथ में आते ही मछली उससे उसने क्या किया उस जाल में से सुनहरी मछली को उसने धीरे से मछली को हाथ में उठाया। मछली उससे बोली, मछुआरे मछुआरे, मैं कोई मामूली मछली नहीं हूँ, मैं रानी मछली हूँ, मुझे छोड़ दो। मछुआरे ने सुनहरी मछली को धीरे से पानी में छोड़ दिया। हाथ में आती ही मछली उससे क्या बोली कि मछुआरे मछुआरे, मैं कोई मामूली मछली नहीं हूँ, मैं तो रानी मछली हूँ, मुझे छोड़ दो। तो मछुआरे ने उस सुनहरी मछली को पानी में छोड़ दिया। पानी में गिरते ही सुनहरी मछली बड़ी हो गई। जब मछली पानी में गिरी तो मछली पानी में गिरते ही बड़ी हो गई। उसने मछुआरे से कहा, धन्यवाद मछुआरे, तुम बहुत रहम दिलो। तो उसने मछुआरे से क्या उसको धन्यवाद दिया और उससे बोला कि तुम बहुत ही रहम दिलो। रहम दिल का मतलब दयालु, तुम बहुत ही दयालु हो। मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहती हूँ, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। मछुआरे ने कहा, मछली रानी, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ है, हम चैन से रहते हैं। तो सुनहरी मछली ने क्या कहा मछुआरे से कि मैं रानी मछली हूँ, तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम मुझसे मांग सकते हो। तो मछुआरे ने कहा, मछली रानी, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ है, हम आराम से रहते हैं। सुनहरी मछली बोली, ठीक है, लेकिन जब भी तुम्हें किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो यहाँ आकर मुझे बुलाना। जब भी तुम कहोगे मछली रानी बाहर आओ, तो मैं बाहर आ जाऊँगी। सुनहरी मछली ने बोला, ठीक है, लेकिन जब भी तुम्हें किसी चीज़ की आवश्यकता हो, जब भी तुम कहोगे मछली रानी, तो मैं तुरंत बाहर आ जाऊंगी। उस दिन मछुआरा खाली हाथ घर लौटा। मछुआरी ने पूछा, क्या आज कोई मछली नहीं मिली? उस दिन क्या हुआ, उसने मछली को तो पानी में
दोबारा से छोड़ दिया था जाल में ही मछली को छोड़ दिया था। तो जब वह खाली हाथ घर लौटा तो मछुआरे ने पूछा, क्या तुम्हें क्या कोई आज मछली नहीं मिली? तो मछुआरे ने उसे सारी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर मछुआरिन बहुत नाराज हुई। वह मछुआरे से बोली, तुमने कुछ क्यों नहीं मांगा? हम कितने गरीब हैं, हमारे पास अच्छा घर, अच्छे कपड़े, गहने कुछ भी नहीं है। जब मछुआरे ने अपनी पत्नी मछुआरिन को सारी कहानी सुनाई तो वह कहानी सुनकर बहुत नाराज हुई। वह मछुआरे से बोली, तुमने कुछ क्यों नहीं मांगा? हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास ना अच्छा घर है, ना अच्छे कपड़े हैं, ना कुछ गहने कुछ भी नहीं है। घर में चार बर्तन हैं, आज तो खाने पीने का सामान भी नहीं है। जाओ तुम मछली से मांग कर लाओ। उसने क्या, घर में कुल चार बर्तन ही हैं, आज तो हमारे पास खाने पीने का कुछ भी सामान नहीं है। जाओ तुम मछली से मांग कर लाओ। मछुआरा उसी वक्त समुद्र के किनारे गया। उसने आवाज़ लगाई, मछली रानी, मछली रानी, बाहर आओ। सुनहरी मछली तुरंत बाहर आ गई। मछुआरे ने कहा, मेरी पत्नी घर, कपड़े, गहने, बर्तन और खाने का सामान मांग रही है, कृपा करके यह सब चीज़ें दे दो। मछुआरा उसी वक्त कहाँ गया? उसी समय, वक्त का अर्थ होता है समय। उसी समय समुद्र के किनारे गया और उसने आवाज़ लगाई, मछली रानी बाहर आओ। तो मछली रानी तुरंत बाहर आ गई। जो सुनहरी मछली थी वह तुरंत बाहर आ गई। तो मछुआरे ने कहा, मेरी पत्नी घर, कपड़े, गहने, बर्तन और खाने का सामान मांग रही है, यह सब कुछ चीज़ें मेरी पत्नी मांग रही है, कृपा करके ये सब चीज़ें दे दो। कृपा का अर्थ होता मेहरबानी, मेहरबानी करके ये सब चीज़ें हमें दे दो। मछली ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। इतना कहकर वह पानी में चली गई। मछुआरा भी वापस आ गया। मछली ने क्या कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। इतना कहकर मछली कहाँ चली गई, पानी में चली गई और मछुआरा वापस आ गया। वह अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा। उसने देखा उसकी झोपड़ी की जगह बड़ा आलीशान मकान खड़ा था। मकान में सब चीज़ें थी। जब वह अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने क्या देखा, उसकी झोपड़ी की जगह एक बड़ा आलीशान मकान खड़ा था, यानी कि बहुत बड़ा आलीशान घर था और मकान में सब चीज़ें थी। उसकी पत्नी नए कपड़े और गहने पहने हुए थी। वह बहुत खुश थी। उसकी पत्नी ने कपड़े, गहने सब कुछ पहना हुआ था और वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। थोड़े दिन बीते। मछुआरिन का लालच बढ़ गया। उसने एक दिन मछुआरे से कहा, हमारा घर तो बहुत छोटा है, हमारे पास नौकर चाकर भी नहीं है। कुछ दिन बीते तो मछुआरे इनका लालच बढ़ता गया। तो उसने एक दिन मछुआरे से क्या कहा, हमारा घर तो बहुत छोटा है, हमारे पास नौकर चाकर भी नहीं है, जाओ मछली रानी से बंगला, खेत, घोड़ा, गाड़ी, नौकर चाकर, सोना चांदी सब मांग कर लाओ। मछुआरे ने कहा, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम लालच मत करो। लेकिन मछुआरे नहीं मानी। मछुआरा हिचकते हिचकते समुद्र के किनारे गया। तो उसकी पत्नी ने क्या कहा, मछली रानी से बंगला, खेत, घोड़ा, गाड़ी, नौकर चाकर, सोना चांदी सब मांग कर लेकर आओ। तो मछुआरे ने कहा कि हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं, हमारे पास तो सब कुछ है, तुम लालच मत करो। लेकिन जो मछुआरिन थी उसका तो लालच बढ़ रहा था। उसने कहा, नहीं, तुम तो जाकर लेकर आओ। तो मछुआरा हिचकते हिचकते समुद्र के किनारे गया। उसने मछली से यह सब मांगा। जब वह घर पहुंचा तो सामने घोड़ा, गाड़ियाँ, नौकर चाकर थे। अंदर मछुआरिन आराम से बैठी थी। जब वह उसने मछुआरे ने सब कुछ उनसे मांग लिया, मछली रानी से। जब वह घर पहुंचा तो उसके घर में, घर के सामने घोड़ा, गाड़ियाँ, नौकर चाकर सब थे और मछुआरीन आराम से बैठी थी। कुछ दिन और चैन से बीते। मछुआरीन का लालच बढ़ता ही जा रहा था।
एक दिन उसने मछुआरे से कहा, जाओ मछली रानी से मांगो कि मैं रानी बनूं और तुम राजा बनो, हमारा राज्य हो। मछुआरे ने उसे बहुत मना किया, लेकिन मछुआरी ने जिद पकड़ ली। मछुआरे को मजबूरन मछली रानी के पास जाना पड़ा। फिर क्या था, उसका लालच बढ़ता ही जा रहा था। तो उसने मछुआरे से कहा कि मछली रानी से मांगो कि मैं रानी बनूं और तुम राजा बनो और हमारा भी एक राज्य हो। उसने बहुत मना किया। किसने मना किया? मछुआरे ने। लेकिन मछुआरे ने इतनी जिद की पकड़ ली कि मजबूरन मछुआरे को मछली रानी के पास जाना पड़ा। इस बार मछली रानी थोड़ी नाराज हुई, फिर भी उसने मछुआरे को राज्य दे दिया। उसने मछुआरे को राजा बना दिया और मछुआरिन को रानी। मछली रानी थोड़ा तो नाराज हुई, लेकिन उसने मछुआरे को राज्य दे दिया। उसने मछुआरे को राजा बनाया और मछुआरिन को रानी बना दिया। थोड़े दिन और बीते। मछुआरी ने मछुआरे से कहा, मुझे तुम्हारा बार बार मछली रानी के पास जाना अच्छा नहीं लगता, जाओ मछली रानी से कहो कि वह मेरी नौकरानी बन जाए, वह हमारे घर में रहे और मेरी बात माने। थोड़े दिन बीते, यानी कि कुछ दिन ही बीते थे कि मछुआरी ने मछुआरे से कहा कि मुझे तुम्हारा बार बार मछली रानी के पास जाना अच्छा नहीं लगता है, अब तुम मछली रानी से कहो कि वह मेरी नौकरानी बने और वह मेरे घर में ही रहे और मेरी सारी बातों को माने। मछुआरे ने उसे बहुत समझाया, लेकिन मछुआरे बिल्कुल नहीं मानी। उसने मछुआरे को मछली रानी के पास भेज दिया। मछुआरे ने मछली रानी को बुलाया। मछली रानी बाहर निकली और पूछा, बोलो तुम्हें अब क्या चाहिए, तुम्हें अब क्या चाहिए? मछुआरे ने मछुआरिन को बहुत समझाया, लेकिन मछुआरे नहीं मानी। जब उसने मछुआरे को मछली रानी के पास भेज दिया, तो मछुआरे ने जब मछली रानी को बुलाया तो मछली रानी बाहर निकली। तो उसने पूछ ही लिया, बोलो तुम्हें अब क्या चाहिए, मैंने सब कुछ तो दे दिया तुम्हें, अब तुम्हें क्या और चाहिए? तो मछुआरे ने डरते डरते कहा, मेरी पत्नी तुम्हें अपनी नौकरानी बनाना चाहती है। तो मछुआरा अंदर से बहुत डर रहा था कि उसकी मछुआरी ने ऐसा बोला कि मछली रानी को नौकरानी बनाओ, तो मेरी पत्नी तुम्हें अपनी नौकरानी बनाना चाहती है। तो सुनहरी मछली यह सुनकर बहुत नाराज हुई, यानी कि सुनहरी मछली ने यह सुना तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वह बोली, तुम्हारी पत्नी के लालच का कोई अंत नहीं है, जाओ अब तुम वहीं के वहीं पहुँचो। मछली रानी क्या बोली, तुम्हारी पत्नी के लालच का अंत नहीं, तुम्हारी पत्नी का तो लालच दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, जाओ और तुम जैसे थे वैसे के वैसे ही रहोगे, वहीं के वहीं पहुंच जाओगे। मछुआरा उदास होकर घर लौट आया। उसने पाया वहां राजमहल नहीं था, वहीं पुरानी झोपड़ी खड़ी थी। नौकर चाकर कपड़े गहने सब गायब हो गए थे। झोपड़ी में उसकी पत्नी पुराने कपड़ों में बैठी रो रही थी। तो जब मछुआरा उदास होकर घर लौटा तो उसने देखा कि वहाँ राजमहल नहीं था, वही पुरानी झोपड़ी खड़ी थी। जैसी वो थी वहीं की वहीं पुरानी झोपड़ी खड़ी थी। नौकर चाकर कपड़े गहने सब गायब हो गए थे। झोपड़ी में उसकी पत्नी पुराने कपड़ों में बैठकर रो रही थी। उनकी वापस से पहले वाली स्थिति आ गई थी। तो जैसा था वैसे ही हो गया। तो जब मछुआरिन का लालच बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो उनकी हालत पहले जैसे ही हो गई थी। बच्चों, इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए और जिद नहीं करनी चाहिए, मेहनत कर कर ही हमें अपना काम करना चाहिए।